वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। यूपी पुलिस को आपने इन दिनों अपराधियों का एनकाउंटर करते हुए तो देखा होगा। जहां पर पुलिस अपराधियों को पकड़ने का काम करती है, अपराधियों पर लगातार लगाम लगाने का काम करती है। लेकिन जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर आपको बेहद ही अलग लगेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। अगर आप थाने में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप देखते होंगे कि थाने में पुलिसकर्मी होते हैं, फरियादी होते हैं, महिला पुलिसकर्मी भी होती हैं और पुरुष पुलिसकर्मी भी होते हैं जो कि जनता की सुरक्षा करने का काम करते हैं। अब जरा आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें किसी के घर की नहीं है बल्कि थाने की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर थाना परिसर में अंडरवियर पहनकर दीवान घूमता हुआ साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। दीवान का नाम गंगोत्री यादव बताया जा रहा है, जो कि अब उनको महंगा पड़ गया। दीवान गंगोत्री यादव अंडर गारमेंट पहने थाना परिसर में खुलेआम घूम रहे थे। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने पूरे मामले में संज्ञान लिया और दीवान को लाइन हाजिर कर दिया। अंडरवियर पहनकर घूमने वाले दीवान सस्पेंड कर दिए गए हैं। आपको बता दें, एसपी ने इस लापरवाही पर दीवान गंगोत्री यादव को लाइन हाजिर भी कर दिया है। इस वायरल वीडियो पर लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर टिप्पणियां भी की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि थाने में महिलाएं अपनी फरियाद लेकर कैसे जाएंगी, क्योंकि अगर ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं तो महिलाएं थाने जाने में भी शर्म करेंगी। थाना एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर महिलाएं बिना किसी डर के, बिना किसी हिजक से अपनी वहाँ पर समस्याओं को बताती हैं। किसी ने कमेंट किया कि जब पुलिस वाले ही नंगे घूम रहे हैं तो कोई कैसे थाने में आएगा। वीडियो वायरल होने के बाद लगातार लोग कमेंट भी कर रहे हैं, महाराजगंज पुलिस की छवि धूमिल हो गई है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी कौन सी आपदा आन पड़ी जो कि दीवान साहब को अंडरवियर में ही बाहर निकलना पड़ा। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी कौन सी आपदा आ गई जो कि दीवान साहब अंडरवियर में ही बाहर निकल गए। सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं। इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए वीके न्यूज।